नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर में विदेशी नागरिकों के साथ छेड़खानी और बदसलूकी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों सुर्खियों में रहे मामले में आज जांच के लिए वाराणसी जोन के एडीजी विश्वजीत महाप्रताप पर्यटक स्थल लखनीय दरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पर्यटकों के सुरक्षा इंतजाम के बारे में भी जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अहरोरा थाने का भी निरीक्षण किया। पिकनिक स्थल पर सुरक्षा के लिए पीएसी के जवानों की तैनाती का निर्देश भी दिया। वहीं एडीजी के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विदेशियों के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई इनमें से दोषी विभाग का भी हुआ तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं वाराणसी जोन के एडीजी विश्वजीत महापात्रा को। 2004 में कुराडी में एक घटना हुई थी जिसमें पीएसी कैंप के असलाह वगैरह लूटी गई थी। जी सर। हालांकि उसके बाद कोई नक्सली संचरण की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो इसलिए थाने का निरीक्षण भी करना जरूरी था, इसलिए मैं आया था। और क्योंकि लखनिया दरी यहाँ से परिवार 10 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पिछले दिन जो घटना हुई थी उसको देखते हुए यहाँ जो सैलानी आते हैं और विशेष रूप से विदेशी सैलानियों की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ आके व्यवस्था देख लेते हैं। उसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है सर? उसमें अभी तक 12 में से 8 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और विदेशी सैलानियों की सुरक्षा के लिए जो पुलिस जनपदीय पुलिस कमिटेड है और किसी भी हालत में सुरक्षा प्रभावित होने नहीं दी जाएगी, इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता बरती जाएगी। सर, कोई जिम्मेदार? अभी जांच चल रही है, अगर स्थानीय स्तर से कोई गलती होगी तो तदनुसार कार्रवाई होगी। ये थी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से वसीम खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।